कुछ और मिला, प्रयास कर रही हूँ तो सुख समृद्धि
का नहीं हूँ समस्त जनता जनार्दन से। और देखिए प्रयास में क्या मिला है क्या कहना। अरे भैया के पूछल कपिकाओं का बारह का भात और बाल
की वस्तु तो भाई भैया एक विशेषता और मिल गई श्री हरि मिला खाते क्या बात है भाई वाह शयन करते श्री हरि मिला खाते शयन करते श्री हरि मिला खाते इसी मास में शयन कर रहे भगवान विष्णु सुख समृद्धि का सूचक यही ये अवतार कौन सा है
प्रकट हुई शक्ति जिससे जग जग मगाया। देवों के नैनों का जब तेज आया, एक माता का प्रादुर्भाव हो गया। देखिए माँ कह रही है कि बता रही है कि मैं कौन हूँ। श्री भैया पंक्तियां सुनिएगा। माँ कहने लगी, अरे प्रकट हुई माँ शक्ति जिससे ये जग जग मगाया। तो कहा और हुआ क्या? क्या हुआ? महिषासुर तो हरिया।
Oh,
महेश मर्दनी हो, जनक नंदनी हो, मैं वही रोशनी हूँ। एक कब बताया था? जब कहा वही रोशनी, वो तो बड़ी उचकी ऊपर था। अरे बिटिया, ऐसी जानकारी देवताओं को कब दी? थोड़ा सा हमको दिखाइएगा, कहीं मिल जाए रोशनी। बढ़िया प्रयास है आपका। ठीक है, बढ़िया लाइन है आप, मेहनत बहुत अच्छी की है आपने। क्या लगे कि ब्रह्मा की रचना और आदानी जन समुदाय, देखिए भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या कि ब्रह्मा जी रचना हरि पालते हैं और अपने अपने कार को देखभालते हैं। क्या बात, ब्रह्मा रचना करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं। और देखिए भोलेनाथ ने कहा क्या कि सोमनाथ सृष्टि करता, सोमनाथ सृष्टि करता, मैं ही स्वयं हूं। क्या बात है गणेश, रोशनी जी उत्तर सुनिएगा। सोमनाथ सृष्टि करता, मैं ही स्वयं हूं, मैं वही शंभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपने एक टुकड़ा लगाया है कि मैं वही जनक नंदिनी हूं। तो देखिए आपके प्रारूप को नहीं छोड़ूंगा, वहां पर भी ला रहा हूं संभव हो कैसे। सुनिए कि रुद्र क्या बने रामचंद्र की बगिया की मैं ही खुशबू हूं, वही शब्द और बन जाए कितना पर मैं नहीं। सुशील भैया
इस तुम्हें को सुनिएगा, थोड़ा गंभीर बात ला रहा हूं। भोले राम ने कहा कि द्वापर पे मैंने ही रचना रचाया, राधा का अवतार मेरा नजर आया। क्या बात है बड़े, बहुत अच्छे। जीवन तक है शक्ति अंक। भोलेनाथ से मां भवानी ने कहा बहुत दिनों तक तुम बनते रहे हो पति, अब मैं बनती रही हूँ पत्नी, अब मैं बनूंगी पति और तुम बनोगी पत्नी। सुनिएगा रचना मचाया, राधा का हो तार सबको नजर आप
आस्तिक लोग सुनिएगा क्या है कि स्वास्तिक ओम कलश पावन, स्वास्तिक ओम और कलश कि स्वास्तिक ओम कलश पावन पूजन पद्धति में प्रथम। और होता क्या है या कि शक्ति भक्ति मुक्ति मुक्ति पाए सनातन धर्म, स्वास्तिक ओम कलश पावन पहला प्रयोग ब्राह्मण लोग स्वास्तिक बनाते हैं। आखिर ये स्वास्तिक पूजन में क्यों बनाते हैं? पहली बात है उसने तो सृष्टि लिए हुए हैं। ये तो वेदों का विकट आधार लिए, वेद भी चार है और चारों का आधार इस स्वास्तिक में विद्यमान है। यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद और सामवेद। तो वेदों का विकट आधार लिए और ब्रह्मा स्वास्तिक ओम कलश पावन। क्या बात है? पूजन पद्धति में प्रथम स्वास्तिक ओम कलश पावन पूजन जरूरी है। भूर भुवा स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृहस्पतिर्वाहा स्वस्तिना पूर्था विश्ववेदा स्वस्तिना तारिक्षो अरिष्टदेवी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अपवित्रा पवित्रो मा सर्वावस्थां ततोऽपि वा। आखिर ओम ओम आप कहते हैं ये है क्या? क्या है कि आओ माँ से ओम मिला, आ ऊ और माँ तीन अक्षरों के द्वारा ओम की उत्पत्ति हुई। तो आओ माँ से ओम मिला और जिसका बिना
कहीं विलोम नहीं मिला। तो आओ मामे किसे यश मिले ब्रह्मा विष्णु महेश मिले तो ओम की हर मंत्र से पहले ओम का अहम स्वास्तिक ओम कलश पावर पूजन कलश क्या है रोशनी जी? आखिर हर पूजन में कलश क्यों रखते हैं? आम के पत्ते लगा करके ये कलश क्या है? कितना देखिएगा सागर कलश है कहलाया और जिस कलश के ऊपर नारियल है वो क्या है? सागर कलश है पहनाया और नारियल मदिराचल बनाया और ये कलश में कलावा बंधा हुआ है तो कलावा फिर रोशनी भी जब वो कलश रख गया तो फिर तो सारी सामग्री चल रही है क्या क्या कि रोली चंदन चंदन चावल केसर कपूर वतन सीधल कान है इलायची पंगी फल स्वास्तिक ओम कलश पावर भगवान की जय Yeah.
आंखें शर्म से झुक जाएंगी।